Good morning, class. Today we have started chapter 4, food of your EVS book. Okay, our first class is read the chapter. Let's start it. Types of food. Our body needs energy to live, grow, work and play. We get this energy from the food we eat. So we should eat different kinds of food to stay healthy. हमें शरीर में शरीर को ग्रोथ करने के लिए वर्क करने के लिए प्ले करने के लिए क्या जरूरत है एनर्जी की और एनर्जी हमें क्या कहाँ से मिलते हैं फूड वी ईट जो खाना हम खाते हैं इससे सो हमें क्या करना चाहिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हमें खाना चाहिए किसके लिए हेल्दी रहने के लिए अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स प्रोटेक्टिव फूड्स एनर्जी गिविंग फूड्स क्या है फूड्स लाइक पोटैटो राइस शुगर ब्रेड बिस्किट्स बटर एंड घी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स ये क्या करते हैं गिव अस एनर्जी किसके लिए वॉक एंड प्ले के लिए सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स नाउ कम टू बॉडी बिल्डिंग फूड्स द एग्जाम्पल्स आर फिश मीट्स एग्स बीन्स मिल्क पल्सेस एंड पीज दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स ये क्या करते हैं गिव अस स्ट्रेंथ किसके लिए एंड क्या करते हैं हेल्प भी करते हैं किसमें बॉडी टू ग्रो आवर हमारे बॉडी जो है इसको ग्रो होने में हेल्प करते हैं और हमें शक्ति देते हैं कुछ काम करने के लिए सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स नाउ कम्स टू प्रोटेक्टिव फूड्स क्या है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स क्या करते हैं ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज ओके मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन जो बड़े हो रहे जो बच्चे वन ईयर टू ट्वेल्व ईयर बच्चे इन लोगों में ज्यादा ग्रोथ आते हैं तो इन जैसे बच्चे जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है इस उम्र के बच्चों को किस चीज की जरूरत है मिल्क की क्यों क्योंकि इट मेक्स आवर बोन्स स्ट्रांग अगर इस उम्र में अगर आप दूध पी लिए आपका बोन स्ट्रांग बन गया तो लाइफ टाइम आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपके डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सो जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको दूध इसलिए पीना चाहिए ताकि आप आगे की जिंदगी में आपका खेल कूद आपके डेली लाइफ हार्म ना हो ओके अगर आज आप दूध नहीं पियोगे तो 10 साल 20 साल बाद आपका काम करने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा नाउ टर्न पेज नंबर 20 ओके हियर यू कैन सी सम टाइप्स ऑफ फूड्स नेम ओके पुट दिस फूड आइटम्स इन द करेक्ट ग्रुप्स आपको करेक्ट ग्रुप में फूड आइटम्स को लिखने हैं जैसे मैंने लिख रखा है ओके वी नीड टू ओके अब यहाँ पे बैलेंस मीट के बारे में पढ़ेंगे बैलेंस मील के बारे में और पढ़ेंगे जंक फूड के बारे में बैलेंस मील क्या होता है वी नीड टू ईट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड In our meals, such a meal is called balanced meal. Balanced meal में क्या होते हैं बेटा जिसमें बॉडी बिल्डिंग फूड भी होता है एनर्जी गिविंग भी फूड होता है और प्रोटेक्टिव फूड भी होता है तो तीनों टाइप की फूड्स आइटम थोड़ा थोड़ा करके आपको खाना चाहिए डेली और अगर ऐसा फूड्स आप खाते हो डेली तो उसे कहेंगे बैलेंस मील जिसमें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी होते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स भी होते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स भी होते हैं इन तीनों तरह की फूड थोड़े थोड़े आइटम में बहुत ज्यादा आइटम नहीं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटीज में अगर आप लेते हो तो उस मील को कहते हैं बैलेंस्ड मील अब आते हैं वाटर क्यों पीना जरूरी है वाटर मस्ट इंक्लूड We must include water in our meals. Why? It helps to digest food. Water हमारे खाने में क्यों ऐड करना चाहिए क्योंकि water digest करने में मदद करता है It helps to grow away. It helps to throw away waste from our body. Waste means waste materials. जिस part की जिस material की हमारे शरीर की जरूरत नहीं है उसको हम throw करते शरीर के बाहर ये शरीर की मतलब एक अपने आप system एक built up system है शरीर का जो अपने आप खुद ही कर देते हैं पसीना आता है गर्मी में
क्यों पसीना आता है? क्योंकि हम जो पानी पीते हैं, व्हेन वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हम पानी पीते हैं, जब हम प्यास लगते हैं तब हम पानी पीते हैं। और ये पानी क्या करते हैं, जो खाना हम खाए हैं वो हजम भी करते हैं, और जो गर्मी लगने पर जो पसीना आती है, पसीने के मामले में या कभी कभी जब हम वॉशरूम जाते हैं यूरिन के माध्यम से, वो चीज़ हमारे शरीर के बाहर कर देते। ये जो स्वेट है, ये जो यूरिन है, ये बैड मेटेरियल से, वेस्ट मटेरियल से जो हमारे शरीर के बाहर चले जाना बहुत जरूरी है। सो वाटर पीना इसलिए जरूरी है कि ताकि शरीर की जो वेस्ट मटेरियल हो वो बाहर जा सके। ओके, अब हम पढ़ेंगे जंक फूड के बारे में। फर्स्ट ये पढ़ते हैं, ये लाइन, फ्रूट्स सच एज क्यूकम्बर, स्ट्रॉबेरीज, वाटरमेलन्स कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। क्यूकम्बर मीन्स खीरा, स्ट्रॉबेरीज रेड कलर सीजनल फूड, आप जानते हो इसे, वाटरमेलन तरबूज, ये सब फ्रूट्स में बहुत सारे पानी होते हैं। तो अगर आप कहीं ऐसा जगह पे हो जहाँ पे पानी नहीं है, आप थ्रोस्टी फुल कर रहे हो, या तो खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए है नहीं, तो आप इस तरह की फ्रूट्स आपके खाने में रख सकते हो, ताकि आपके शरीर की जो पानी जरूरत है शरीर को, वो पानी का कमी पूरा हो सके इस फ्रूट के जरिए। अब आते हैं जंक फूड में, पिज्जा, बर्गर्स, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, दीज आर कॉल्ड जंक फूड, दीज आर टेस्टी एंड गुड, इनके टेस्ट तो अच्छा है बट दे आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू द पार्ट ऑफ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। खाना कुक्ड यानी खाना, हम कुछ खाना बना के खाते हैं और कुछ खाना हम बिना बना के खा सकते हैं। तो वी नीड टू कुक सम फूड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले कुछ खाना है जो हम बना के खाते हैं। क्या? कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेंडर एंड टेस्टी, वो सॉफ्ट करते हैं, खाने लायक करते हैं और खाने को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट कुक्ड फूड, डाइजेस्ट करने के लिए खाना, बना हुआ खाना बहुत अच्छा है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। वेजिटेबल्स लाइक सच एज कॉलीफ्लावर, पोटैटोस, पल्सेस, राइस, व्हीट, एग, फिश, मीट आर सम फूड आइटम्स वी कुक्ड बिफोर ईटिंग। दिस टाइप ऑफ फूड्स हम क्या करते हैं, खाना बनाने से पहले उसको पका लेते हैं, ठीक है, आग में पानी डाल के, मसाला डाल के, और उसके बाद हम उस चीज को खाते हैं। ठीक है, अब आते पेज नंबर 21 में, अनकुक्ड फूड, देयर आर सम फूड्स दैट नीड नॉट बी कुक्ड बिफोर ईटिंग, ऐसा भी खाना है जिन्हें जरूरत नहीं है कि हम उसे पका के खाए। वी कैन ईट देम रॉ, रॉ मीन्स जैसा है वैसा ही हम खा लेते हैं, धोके छिलका निकाल के हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फूड्स के नाम आपको लिखना है, जस्ट लाइक सैलड्स हम पकाते हैं, नहीं पकाते, उसको हम ऐसे ही खा सकते हैं काट के, जस्ट लाइक फ्रूट्स, तो कुछ खाना ऐसा है जिसे पकाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही खा सकते हैं। अब आते हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मींस जो वेजिटेबल्स खाते हैं, और नॉन वेजिटेरियन मींस जो नॉन वेज यानी फिश, मीट, एग्स, दिस टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। We like eating different kinds of food. Some people have vegetables, fruits, milk, cheese and butter, but do not eat fish, meat, eggs. जो इंसान fish, meat, eat, eggs नहीं खाते, vegetables, fruits, milk खाते हैं, they are called vegetarians. Some people like to eat fish, meat, eggs. कुछ इंसान होते हैं, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें पसंद है fish, meat, eggs खाना, as well as fruits, vegetables. मतलब वो लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी खाते हैं, मगर उसके साथ साथ फिश, मीट, एग्स भी खाते, एंड फूड मेड फ्रॉम मिल्क, एंड मिल्क से बना हुआ फूड्स भी खाते हैं, उसे कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस। ओके, अब आते हैं वेगन्स, वेगन्स कौन है, देयर आर सम पीपल हु डू नॉट ईट एनी फूड दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स,
कुछ पीपल्स ऐसे भी हैं जो कोई भी खाना नहीं खाते हैं ऐसा, जो कि एनिमल से आते हैं। एनिमल से देखो दूध भी आते हैं, सो दूध से बना हुआ चीज वो लोग नहीं खाते, जस्ट लाइक मिल्क, पनीर, चीज, ठीक है, ये उनके मिल्स में नहीं होते। वो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, वो ओनली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही खाते हैं। वो मिल्क भी नहीं खाते, मिल्क भी नहीं पीते, और मिल्क से बना हुआ खाना यानी जैसे कि पनीर हो गए, घी हो गए, चीज हो गई, ये भी वो लोग नहीं खाते। दे ओनली ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स से आते वही खाते। दीज पीपल्स आर कॉल्ड वेगन्स, इन्हें वेगन्स कहते हैं। सो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपका आता है यहाँ पे गुड ईटिंग हैबिट्स, आपको ये पढ़ना भी है और कंप्लीट भी करना है, ठीक है। ये आपके है चैप्टर की समरी, इसको आपको रीड आउट करना है। पूरे चैप्टर में जो चीज है वही चीज इसमें छोटा करके समरी करके दिया हुआ है। एंड आफ्टर दैट आते हैं हमारा बुक एक्सरसाइज, जो कि आपको कंप्लीट करना है। बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगी, और आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर आपको थॉरली रीड आउट करना है। पेज नंबर 19 से लेके आपका पेज नंबर 21 तक आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है रीड आउट करके। थैंक यू क्लास।